दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है, जिसमें हाईकोर्ट ने सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को रद्द करने से इनकार कर दिया था। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत दिए जाने की मांग कर डाली है। इसके साथ ही केजरीवाल को ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट से पहले ही अंतरिम जमानत मिल चुकी है। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी ने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। सिंघवी का कहना था कि इसे कल के लिए सूचीबद्ध किया जाना चाहिए और इस पर सीजेआई ने कहा कि मुझे एक ईमेल भेजें, निश्चित तौर पर इस पर गौर करेंगे। गौरतलब है कि दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई के मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 अगस्त तक बढ़ा दी है। 5 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध ठहराया और कहा था कि सीबीआई के कार्य में किसी तरह की दुर्भावना देखने को नहीं मिली। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को बरकरार रखते हुए केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए पहले निचली अदालत में जाने को कहा। सीबीआई ने तर्क दिया था कि आप संयोजक गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। केजरीवाल केस में अब तक क्या कुछ हुआ है ये भी बताते हैं आपको। 21 मार्च को गिरफ्तारी हुई, 22 मार्च को सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका वापस ली गई, 22 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्हें पेश किया गया, 22 मार्च कोर्ट ने 6 दिन की ईडी रिमांड पर उन्हें भेजा, 28 मार्च कोर्ट ने हिरासत की अवधि और बढ़ा दी, फिर 1 अप्रैल राउज एवेन्यू कोर्ट ने 15 दिन के लिए उन्हें तिहाड़ भेज दिया। 9 अप्रैल शराब घोटाले केस में केजरीवाल की गिरफ्तारी सही है, हाईकोर्ट ने कहा। 23 अप्रैल राउज एवेन्यू कोर्ट ने हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी। 10 मई सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक की अंतरिम जमानत दी, लेकिन 2 जून को केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया। 20 जून राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत दी। ट्रायल कोर्ट के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई। 12 जुलाई सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी। ईडी मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत से केजरीवाल को जमानत तो मिल गई, लेकिन सीबीआई मामले में अभी भी सीएम केजरीवाल तिहाड़ जेल में ही बंद हैं और एक और याचिका उनकी तरफ से दायर की।